अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं किचन विद सबा। आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने हाफ कप चिकन लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, हाफ कप शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने हरी प्याज ली है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, हाफ कप बंद गोभी ली है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, हाफ कप गाजर ली है जिसे मैंने इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पिसी काली मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है, हसबे ज़रूरत नमक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर, गोभी, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूँगी। वेजिटेबल और चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम रोल बनाएंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम रोल बनाएंगे। रोल पट्टी लेंगे, थोड़ी सी फिलिंग डाल देंगे इसमें, इस तरह करके। अब मैं इसमें थोड़ी सी दही लगा दूंगी। और इसे इस तरह से रोल कर दूंगी। सारे रोल्स मैं इसी तरह बना लूंगी। सारे रोल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम रोल फ्राई करेंगे। रोल हमारे फ्राई हो रहे हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम रोल फ्राई करेंगे। रोल हमारे फ्राई हो रहे हैं, एक साइड से रोल का कलर चेंज हो गया है, अब दूसरी साइड से हम कुक कर रहे हैं। सारे रोल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल दूंगी। रोल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।